भारत बंद को लेकर भारतीय कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर मोदी सरकार के विरुद्ध डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत व महंगाई को लेकर आज मुंबई से सटे अंबरनाथ में सभी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद का जोरदार प्रदर्शन किया। अंबरनाथ में इस प्रदर्शन में आगे आए प्रदीप पटेल, कांग्रेस शहर अध्यक्ष, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इंदिरा भवन से विरोध रैली को आरंभ कर अंबरनाथ पूर्व शिवाजी चौक पर समाप्त कर राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष सदाशिव पाटिल और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष यशवंत जोशी, विलास हरिभाव, नगर सेवक जोशी, कुणाल सुभाष भोईर ने मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किया। वह व्यापारी, वाहन चालक, रिक्शा चालक, मालक संगठन के लोगों ने मोदी सरकार का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने ऐलान किया था कि 10 सितंबर को भारत बंद का आयोजन किया जाएगा। उस माध्यम से पूरा भारत बंद का आयोजन किया था कांग्रेस की तरफ से। जो मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाई, नोटबंदी लाई, जीएसटी, ऐसे एक के ऊपर एक जनता पर जो बोझ डाला है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने जो बंद का आयोजन किया था, इसको करीबन 21 सहयोगी पार्टियों ने उसको साथ दिया और ये जो बंद है आज का एक कामयाब हुआ। अंबरनाथ शहर की तमाम जनता, व्यापारियों ने, रिक्शा एसोसिएशन ने आज पूरी अपनी ऑटो व्यापारी गाले, दुकानदार इन्होंने बंद किया और आम जनता ने भी पैदल चलना आज ठान लिया था। सारी पब्लिक आज पैदल रास्ते पे थी और ये बंद सक्सेसफुल हुआ। और आज मैं ये माध्यम से कहना चाहता हूँ और तमाम जनता से कि जो आने वाले दिनों में ये भाजपा सरकार ने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे और आज पूरे बुरे दिन लाए, ये भाजपा सरकार की अभी वापसी के दिन आज से शुरू हो गए और अब इनको इनकी जगह बतानी की है। जो हुकुमशाही ये भारत देश पे चला रहे, ये हमारे जो शेतकरी बांधव है उन पे जो अन्याय चालू है, कर्जा का आश्वासन देके आज तक उनका कर्जा माफी नहीं हो पाई है, इससे वो जो शेतकरी है, जो किसान है, वो आज आत्महत्या कर रहा है। ये मोदी सरकार पे बड़ा एक लंचस पर बात हुई है और इनको इनकी जगह बतानी है। आज मोदी सरकार ने राफेल जो फाइटर प्लेन है कांग्रेस के राज में, ये 500 करोड़ में डील हुई थी पर प्लेन, वही मोदी सरकार ने आज के उनके राज में 1650 करोड़ में वही प्लेन मंगा के भ्रष्टाचार का नया एक इतिहास किया है। भारत के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने किया है, इसका हम निषेध करके आज भारत बंद का आयोजन किया था और पूरा सक्सेसफुल हो गया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।